मेरे डैडी ने तो मैं बचा लिया, लेकिन मेरी जो दादी है ना वो स्ट्रिक्ट है। देखना वो तुम्हारी मम्मी को पनिशमेंट देगी क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। चलो कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक करो। चलो 1 2 अब चलो दोनों हाथ सीधे करो और दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाओ और ऊपर। अब जब तक मैं आ ना जाऊं ऐसे ही दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी रहो। मम्मी को पनिशमेंट नहीं मिलने देंगे, हाथ नहीं मिलने देंगे। आंटी जी, आंटी जी, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो। क्या बात क्या है, तुम दोनों ऐसे मुझे झूला क्यों झुला रही हो, क्या काम है बताओ। आंटी मम्मी को पनिशमेंट मत दो, वो हमसे गलती से टूट गया था। हाँ आंटी प्लीज प्लीज आंटी हमें माफ कर दो। आंटी मम्मी को मुर्गा मत बनाना प्लीज आंटी। हाँ आंटी आप बोलो तो हम मुर्गा भी बन जाएंगे। मुर्गा? अच्छा ठीक है रहने दो अब, लेकिन घर की किसी भी चीज से दूर रहना तुम लोग, समझी? जाओ। अब मम्मी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तुम ठीक हो? रुचिता, रुचिता हाथ पकड़ लो, रूम तक छोड़ देता। निहार ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा जो दिया है और उसी की भरपाई के लिए वो तुम्हारा साथ दे रहा है, ना कि इस वजह से क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। उसी की पश्चाताप के कारण वो ये सब कर रहा है। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी। हिम्मत करो रुचिता, ऐसे चलोगी तो पैर सूज जाएगा तुम्हारा। मैं वो भी संभालूंगी। Yeah, right. I know, तुम संभाल लोगी। In fact, सब संभाल ही तो लिया। उसने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, बिजनेस कर लिए। मैगजीन में फोटो देखी थी मैंने तुम्हारी। तुम्हारे पति को बहुत गर्व होगा ना तुम पर, लेकिन उस मैगजीन में तुम्हारे पति का कहीं कोई भी जिक्र नहीं था। हाँ वो मेरी बेटियों का भी तो जिक्र नहीं था ना। मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत अलग रखती हूँ और वैसे भी मेरे पति को सुर्खियों में रहना पसंद नहीं है। गुड नाइट।
माँ प्रतीक जल्दी आइए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी नरेश? माँ पिछले 3 साल से सिंगापुर की एक ज्वेलरी कंपनी से हम डील क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो ज्वेलरी मार्केट के सबसे बड़े क्लाइंट हैं, लेकिन वो इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, और हमारे कितने सारे प्रपोजल्स वो रिजेक्ट भी कर चुके हैं। आज उनका सामने से फोन आया, वो हमारे साथ डील करना चाहते हैं। क्या? अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। हाँ माँ, बहुत ही अच्छी खबर। सालों से अटका प्रोजेक्ट आज खुद ब खुद हमारी जोली में आ गया। ये सब खाटू श्याम जी की कृपा से हुआ है। हाँ पूनम, और इसके साथ साथ रुचिता के शुभ कदम भी इसके लिए जिम्मेदार है। रुचिता के कदम जब जब भी इस घर में पड़े हैं, हमारे साथ शुभ ही हुआ, और आज ये डील खुद चलकर हमारे पास आई है। रुचिता के साथ साथ उसकी बच्चियों के कदम भी बहुत शुभ है। अच्छा ठीक है, चलिए आरती शुरू करते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं सोच रहा था कि आज की आरती वो करे जिसकी वजह से ये खुशखबरी आज हमें मिली है। खाटू जी की परम भक्त रुचिता, आओ बेटा, आज की आरती तुम करो। पर प्रतीक के पापा, रुचिता अब इस घर की बहू तो नहीं है, और आरती इस घर की बहू के हाथों ही होनी चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है पूनम कि खाटू जी की आरती घर की बहू ही करेगी? आरती करने के लिए सच्चे और साफ मन वाला कोई भी इंसान कर सकता है, और रुचिता से बेहतर कौन हो सकता है ये आरती करने के लिए। आओ बेटा, आरती करो। तुम खाटू जी की आरती के लिए मना नहीं करोगी? हाँ बेटा, आज की आरती तुम करके इस मंदिर को और पावन कर दो। मना मत करना रुचिता, बहुत साल बाद पापा को इतना खुश देखा। चलो। बाबा जय श्री श्याम हरे, ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। मम्मी मुझे भी आरती करनी है, मम्मी मुझे भी आरती करनी है। बोलो खाटू श्याम जी महाराज की जय। थैंक यू खाटू जी, जाने से पहले हम एक परिवार की तरह आपकी आरती में सम्मिलित हो पाए, मेरे लिए यही बहुत है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रुचिता की बेटियां आ रही तो मेरे पिंकू का भविष्य खतरे में आ जाएगा। कुछ देर में हम यहां से चले जाएंगे, आज शाम की ट्रेन है। हाँ, वो रोहित जुही से कुछ बात करनी थी।
जी अंकल। आप दोनों में से किसका ब्रेसलेट है? मेरा ब्रेसलेट है, ये आइसक्रीम वाले के पास गिर गया था। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखा करो, मैं पहना दूं। ओके, वैसे आर से आपका नाम है रूही, छे से जूही, और आर से आपकी मम्मा का नाम है रुचिता। आपके पापा के नाम का लेटर क्यों नहीं है इसमें? वो उन्होंने उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था, इसलिए हमारे इनिशियल्स हैं। रूही जूही, जाओ बड़ी नानी को बुला के ले आओ, मैं जल्दी से पैकिंग करके आती हूँ, ठीक है? ओके मम्मी। चलो मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ, चलें। चलो 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 चलो, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी ये सच पता चले कि रूही और जूही मेरी और निहार जी की बेटियां। मैं उलझे रिश्ते को और उलझाना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां मुझसे दूर हो जाए। वाओ दादू, इतने सारे टॉयज मेरे लिए। यस दादू, ये सब तो लड़कियों के डॉय है। मुझे तो गन और ट्रैक्टर चाहिए था, मुझे पेंटिंग वेंटिंग थोड़ा करना है। अरे आप भूल गए क्या कि पिंकू लड़का है, लड़की नहीं? तुझे पता है ये लड़का है पूरम, लेकिन ये खिलौने इसके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए। किसके लिए दादू? ये खिलौने रूही और जूही के लिए है। आपके लिए भी खिलौने लाया हूँ, कार में है, जीतू लेके आ रहा है। बेटा ये लो, ये आपके टॉयस। अरे क्या हुआ बेटा, लो। ये रहा टेडी बेयर। वाओ कितने प्यारे डॉल है। थैंक यू दादू। पिंकू, 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 ये क्या बदतमीजी है? दादू आप मेरे दादू, इन बदतमीज लड़कियों के नहीं। बेटा मैंने कहा ना कि तुम्हारे खिलौने आ रहे हैं, देखो जीतू भाई लेके आएंगे। जीतू इनके खिलौने दे दो बेटा, ये रहे तुम्हारे खिलौने, आ गया ना? और लड़कियां सुन लो, अब से तुम इन्हें अंकल ही कहोगी, ये तुम्हारे दादू नहीं है। पूनम आप भी हद करती, अरे छोटी बच्चियां हैं ये और रुचिता की बेटियां हैं। हाँ ये रुचिता की बेटियां हैं और इन लड़कियों से आपका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें अपना समझना बंद कीजिए। और तुम दोनों इन्हें दादू नहीं अंकल कहोगी, समझी? वो पिंकू ने दादू कहा तो मेरे मुंह से भी निकल गया। पिंकू अपने डैडी को डैडी बोलता है, तो क्या तुम भी उन्हें डैडी बोलने लगोगी? मॉम प्लीज, इन पर गुस्सा करना बंद कीजिए आप। अरे दादू बोल भी दिया तो कौन सी आफत आ गई? पिंकू को समझाने के बजाय इन्हें मत समझाइए, इन पर दिन बदतमीज होता जा रहा है। पिंकू को नहीं, तुम सबको समझने की जरूरत है। किसी को कुछ समझने या समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस जा ही रहे थे। रूही जूही बेटा बड़ों का आशीर्वाद लो। जी मम्मा। बस जल्दी से रुचिता यहाँ से जाए और कभी वापस ना आए। खुश हो बेटा? बेटा ठीक है।
पंकज कितने अच्छे हैं ना, इतने प्यार करते हैं हमसे। हाँ, उनको देखकर लगता है कि हमारे पापा होते तो ऐसे ही होते। काश हम कुछ दिन और अंकल के साथ रह पाते। रूही रूही चलो। आप वही हैं कल जिनके घर में आग लगी थी? जी मेरे ही घर में आग लगी थी, लेकिन हुआ क्या है? मम्मी ये पुलिस अंकल क्यों आया है? क्या आपको अपने साथ ले जाएंगे? नहीं बेटा, हो गया। दादी आप रूही जुई को अंदर लेकर जाइए, मैं देखता हूँ। पिंकू बेटा आप भी अंदर जाओ। इंस्पेक्टर बात क्या है? लगता है आप कहीं जा रही हैं। आसपास जा रही हैं तो ठीक है, लेकिन आप इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट है। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ जो विश्वासघात किया उसकी वजह से तुम्हें जो कुछ भी सहना पड़ा उसका पश्चाताप मैं किसी भी तरह से कर पाऊं तो मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। बेटा प्लीज, बेटा प्लीज रुक जाओ। हाँ रुचिता प्लीज रुक जाओ। पुलिस कंप्लेंट? साफ साफ बताइए ना बात क्या इंस्पेक्टर, और किसने की है कंप्लेंट? इन्होंने अपने घर की डील फाइनल की थी, पेपर्स भी साइन हो चुके थे और घर में आग लग गई तो बायस ने इनके खिलाफ केस किया है। केस क्यों? मैंने तो खुद उन्हें बताया था कि आग लगने की वजह से बैंक के पेपर्स जल गए हैं, जिनकी वजह से मैं उनके पैसे बाद में लौटाऊंगी। मैं क्यों उनका बुरा चाहूंगी? मैं तो खुद किसी का नुकसान नहीं चाहती। जितने पैसे उन्होंने दिए थे मैं सारे वापस कर दूंगी। देखिए वो हम सब नहीं जानते, उनका कहना है कि आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, और उनका ये भी कहना है कि आप उनके पैसे लेकर भाग रही हैं, इसलिए उन्होंने ये केस किया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? रुचिता घर में आग क्यों लगाएगी? पैसों के मामले में रुचिता अपना सब कुछ लुटा सकती है, लेकिन किसी को धोखा नहीं दे सकती। और आप शायद भूल रहे हैं कि उस घर में बच्चियां भी थी। कोई माँ अपनी बच्चियों की जान को रिस्क में नहीं डालेगी, खास करके रुचिता जैसी माँ। मैडम प्लीज अपने हस्बैंड को कहिए कि हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब ये इसका पति नहीं। फिर इनके इतना लड़ क्यों रहे हैं? खैर इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। रुचिता जी जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता है तब तक आप इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन सर मेरी पूरी फैमिली उदयपुर में। आई एम सॉरी रुचिता जी, पर जब तक हम आपसे नहीं कहते हैं आप इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी। मेरे फोन से कॉल कर सकती हूँ? मेरे हस्बैंड नेवी में है, उनका फोन अनरीचेबल होगा। तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? बिहार में अगर मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं पिंकू के असली बाप यानी तुमसे शादी करूंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। पर बेटा इंस्पेक्टर ने मना किया है ना, कानूनी मामला है बेटा। दादी लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं किसी होटल या लॉज में चली जाऊंगी। हाँ यही सही है, शायद
तुम्हारे हस्बैंड को भी अच्छा ना लगे तुम्हारा यहाँ रहना। उनसे मैं बात कर लूंगा। लेकिन बेटा, बच्चियों के साथ तुम होटल में रहोगे, वो भी अपना घर होते हुए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब ये घर रुचिता का नहीं है। आप बोल रही हैं पूनम, मैं रुचिता को इस घर की बहू नहीं बेटी बना कर लाया था, इसलिए जब तक ये घर मेरा है, रुचिता का इस घर पर हक था, है और हमेशा रहेगा। पापा जी, आपके जैसा ससुर अगर हर बहू को मिल जाए ना, तो उसके लिए उसका ससुराल स्वर्ग बन जाता है। लेकिन मेरे लिए यहाँ रुकना सही नहीं होगा। सही तो तुम्हारा इस घर से जाना नहीं था रुचिता। एक बाप का घर होते हुए बेटी उसी शहर में अपनी बच्चियों के साथ किसी होटल में रहे, ये कैसे हो सकता है? बेटा मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ जो विश्वासघात किया, उसकी वजह से तुम्हें जो कुछ भी सहना पड़ा, उसका पश्चाताप मैं किसी भी तरह से कर पाऊं तो मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। बेटा प्लीज, बेटा प्लीज रुक जाओ। हाँ रुचिता, प्लीज रुक जाओ। पापा जी, आप हाथ मत जोड़िए। मैं अपने पापा जी की बात कभी नहीं टाल सकती। मैं आपके खातिर यहाँ कुछ दिन के लिए रुक जाऊंगी। मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी। तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करनी होगी। मेरे फोन से कॉल कर सकते हो? मेरे हस्बैंड नेवी में है, उनका फोन अनरीचेबल होगा। तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? यार, मैं अगर मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं टिंकू के असली बाप यानी तुमसे शादी करूंगी। मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी। तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करनी होगी। मेरे फोन से कॉल कर सकते हो? मेरे हस्बैंड नेवी में है, उनका फोन अनरीचेबल होगा। तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? यार, मैं अगर मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं टिंकू के असली बाप यानी तुमसे शादी करूंगी।